बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग का वर्कआउट हो चुका है, राज और मैंने कर लिया है, आज काफ़ी ज़्यादा किया है। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं सिद्धि भी नहीं उठी, उसको उठाते हैं। सिद्धि उठो बेटा, उठ जाओ। नहीं उठना है क्या सिद्धि? उठ जाओ बेटा। हाँ उठ गया, उठ गया, आंखें तो खुल गई। चुन्नू ए सिद्धि, उठना नहीं है क्या? अच्छा सुबह सुबह बनाना चल रहा है। थोड़ा थोड़ा खाने लगा है, थोड़ा थोड़ा खाने लगा है। पहले खा लो, मोबाइल पे नहीं, पहले खा लो। तो सिद्धि अभी गाड़ी में ही सो गई है। सिद्धि उठ जाओ यार, हम लोग आ गए हैं घर, चलो उठो, उठ जाओ जल्दी, चलो धूप धूप बहुत तेज है। तो अभी बच चुका है 5, हम लोग जा रहे हैं गंगा की तरफ घूमने, गंगा घाट की तरफ जाएंगे घूमने। तो हम पापा इसको ले रहे हैं। हाँ चला आ जा रहा है। अच्छा। अभी हम लोग गंगा किनारे पहुंच चुके हैं, गंगा जी काफी बढ़ गई हैं। हाँ। देखो आप लोग भी, पहले बहुत दूर आगे से हुआ करती थी, मतलब यहाँ से कम से 10-20 फीट पीछे हुआ करते थे और कम से 10 फीट नीचे। अभी बढ़ गई हैं गंगा जी बहुत सारा, पानी बारिश की वजह से। ये नदी के किनारे जो लोग रहते हैं यहाँ पे, ये लोग अपनी नाव भी रखते हैं कि अगर उस पार जाना हो या फिर कोई चीज़ लानी हो उस पार से, या फिर लोग अभी अपना जानवर भी चारा उस तरफ ले जाते हैं चारा के लिए, तो इसी नाव से जाते हैं लोग, नदी पार करते हैं। अभी जो हम लोग घर से आके बहुत सारी गर्मी थी ना, लेकिन यहाँ पे कितना ठंडा मौसम हो गया है। हाँ यहाँ पर बिस्तर बिछा के ले, तुम्हारे लिए बिस्तर ले आएंगे। हम अकेले यहाँ पर ले जाएंगे। हाँ अकेले मंकी आ जाएंगी। क्या हुआ, तुम भी तो मंकी हो। हाँ लेकिन यहाँ मौसम काफी ठंडा हो गया क्योंकि खुला हुआ है एकदम, चारों तरफ से हवा भी चल रही है। हाँ पेड़ भी है। हम लोग उस तरफ टहल के आते हैं, आ जाओ। ये
हमारा गांव काफी ऊंचाई पे है, मतलब कि गंगा जी से कम से कम 20 से 25 फीट ये ऊंचा जमीन है, इसको ऊपर से सड़क जाती है, मतलब कि हम लोग जाते हैं आगे तो काफ़ी ऊंचाई पर भी गंगा जी यहाँ से हमारे यहाँ के लेवल से काफ़ी ऊपर हैं। क्या कह रही हो? स्विमिंग पूल। कहाँ है? स्विमिंग पूल नहीं बाबा, नदी है ये। स्विमिंग पूल का है। स्विमिंग पूल यार छोटा होता है एकदम, जैसे बोरिंग अपने ट्यूबवेल में है ना जहाँ नहाती हो वैसा होता है स्विमिंग पूल, थोड़ा उससे बड़ा होता है। ये नदी है यार। बज गया 5:30, तो हम लोग घर चलते हैं ना। क्या कह रही हो सिद्धि? हाँ ये गंदी बात है, वैसे नदी पे जो है पॉलीथीन नहीं फेंकनी चाहिए। वाह सिद्धि तुम तो यार कितनी समझदार हो, किसी को भी पॉलीथीन नहीं फेंकनी चाहिए नदी पे। वासु ये दाल भूनी जा रही है ना, तो आज बनने वाली बेसन की रोटी चूल्हे में अम्मा बनाएंगी। तो गर्मा गर्म रोटी आ चुकी है और देसी घी में लगकर, और इसके साथ में बढ़िया लहसुन और धनिया का पिसा हुआ नमक है जो काफी अच्छा। सिद्धि भी खा रही है क्या रोटी? अरे वाह, घी और रोटी, कृष्णा भी।